हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस डिजाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। के लिए मैंने ये कॉटन फैब्रिक 1.5 मीटर लिया है। थोड़ा सा मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो मैं इसकी जैकेट बनाने में यूज करूँगी। प्रिंटेड फैब्रिक को हम खोल के इसे लेंथ में 4 फोल्ड करेंगे। तरह से आपको आपकी चेस्ट या हिप साइज के अनुसार, जो सबसे ज्यादा चौड़ी वाली साइड है उसके अनुसार कपड़े को 4 फोल्ड में रख लेना है और उसमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड करना है। तो मैं इसमें 11 इंच तक कपड़े को 4 फोल्ड में रख रही हूँ। मैं इसे 34 चेस्ट साइज का बना रही हूँ। और अभी हम ये बॉर्डर जो है इसमें ऊपर की साइड इसे कट करके निकाल लेंगे। तरह से हमने कट कर लिया है। अभी हम इसकी टोटल लेंथ देख लेते हैं। तो इसकी टोटल लेंथ 40 इंच की है, तो मैं ये टोटल लेंथ लूंगी। और यहाँ बंद वाली साइड से हम शोल्डर मार्क करेंगे, वो मैं 6.5 इंच मार्क करूंगी। आर्म होल के लिए भी 6.5 इंच मार्क करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की साइड 1/2 इंच छोड़ दिया है, उसके बाद हम 6.5 इंच मार्क करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। 1/2 इंच हमने शोल्डर स्लोप के लिए छोड़ दिया है। यहाँ से चेस्ट का 1/4 + 2 इंच मार्क करना है। तो इसमें मैं टोटल 10.5 इंच मार्क करूंगी 34 चेस्ट साइज के लिए। 34 का 1/4 8.5 इंच प्लस इसमें मैंने 2 इंच का मार्जिन ले लिया है। अभी यहाँ आर्म होल में गुलाई देंगे, तो आर्म होल का 1/2 मार्क कर लेंगे और इसे गुलाई देंगे। इस तरह से 1/2 इंच अंदर से फ्रंट के लिए आर्म होल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम इसकी वेस्ट लेंथ और हिप लेंथ मार्क करेंगे। तो वेस्ट लेंथ मैं 14 इंच पे मार्क कर रही हूँ और हिप लेंथ मैं 20.5 इंच पे मार्क करूँगी। और यहाँ पे वेस्ट का 1/4 + 2 इंच लेना है, तो मैं 7 इंच लूँगी 28 वेस्ट साइज के लिए, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने ले लिया है मार्जिन। टोटल मैंने 9 इंच लिया हुआ है। किसी भी साइज के लिए आपको इसी तरह से मार्क करना है। और यहाँ पे हिप का 1/4 लेंगे और प्लस इसमें 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे और प्लस इसमें हम 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो टोटल मैं यहाँ पे 10.5 इंच ले रही हूँ। अभी इन तीनों पॉइंट्स को मिला लेंगे इस तरह से और इसके बाद नीचे तक हम इसे स्ट्रेट मार्क कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम इसकी नेक मार्क करेंगे। तो यहाँ पे नेक की विड्थ मैं 3 इंच रखूंगी, 3 इंच मार्क किया और नेक डीप, बैक के लिए 3 इंच और फ्रंट के लिए हम 5.5 इंच मार्क करेंगे। दोनों में हम इसे राउंड शेप देंगे और इसके बाद शोल्डर पे हम स्लोप देंगे। तो मार्किंग हमने कर ली है, अभी हम इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले बैक का पार्ट कट करेंगे, यानी बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग सबसे पहले करेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अभी इसमें से एक पार्ट हटा लेंगे और कपड़े को फिर से उसी तरह से रख लेंगे और फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक इसकी हम कट करेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट का पार्ट भी कट कर लिया है। अभी इसमें जो कोटी अटैच करनी है हमने, हम उसकी कटिंग करेंगे। तो इसे हम पलट के उल्टे साइड से रख लेते हैं और इस पर मार्किंग करेंगे। ये हमने फ्रंट का पार्ट लिया हुआ है और अभी यहाँ पे शोल्डर से हम एक मार्क करेंगे जहाँ वेस्ट लेंथ मार्क की है उसे 1 इंच ऊपर, यानी 13 इंच पे हम मार्क करेंगे। वेस्ट लेंथ हमने 14 इंच मार्क की थी, यहाँ मैंने 13 इंच मार्क किया है। और ठीक इसी तरह से जो हमने हिप लेंथ मार्क की थी उसे 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं 19.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अभी यहाँ बंद वाली साइड से हम 3 इंच मार्क करेंगे, इसे आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इंच मार्क कर रही हूँ। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और इसके बाद हम इसकी जैकेट कट करेंगे। तो इसे हम प्लेन फैब्रिक पे कट करेंगे। फैब्रिक को 2 फोल्ड में रख लेना है
इस तरह से। मेरे वाली साइड इसकी ओपन है और इसे हम बराबर से इसके ऊपर रख लेंगे। ये जो हमने 3 इंच पे मार्क किया था उसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और ठीक इसके ऊपर रखते हुए मार्क करना है। तो पहले 1/2 इंच हम निशान लगा लेते हैं। ये 1/2 इंच हमारा फोल्डिंग के लिए होगा, कपड़ा फोल्ड करने के लिए। इस तरह से बराबर से रख लेंगे और इस पे आर्म होल की शेप मार्क करेंगे, शोल्डर भी मार्क कर लेंगे। और उसके बाद हमने जो यहाँ वेस्ट तक निशान लगाया है उससे 1/2 इंच नीचे इस तरह से मार्क कर लेंगे। 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन, और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इसके बाद हम इसे कट करेंगे। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया, दो पार्ट्स हैं ये दोनों साइड्स के लिए। और इसके बाद नीचे जो फ्रिल लगेगी उसके लिए हम स्ट्रिप कट कर लेंगे। तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो 6 इंच की है, और हम यहाँ पे 7 इंच की स्ट्रिप कट करेंगे, यानी 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो कपड़े को हम बराबर कर लेते हैं और इसके बाद हम 7 इंच मार्क कर लेंगे। इस तरह से 7 इंच मार्क किया है और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। स्ट्रिप की विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से हम सेंटर से कट कर लेंगे स्ट्रिप को दोनों साइड्स के लिए, और इसमें अटैच करना है। तो दोनों सीधी साइड एक साथ मिला के रखेंगे इस तरह से, और सबसे पहले हम इसमें लगभग 2 इंच छोड़ देंगे। 2 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो वहाँ 2 इंच छोड़ने के बाद हम इसकी फ्रिल बनाएंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स लगाते हुए स्ट्रिप को हमें इसमें अटैच करना है प्लेट्स बनाते हुए। इस तरह से यहाँ सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड भी इसी तरह से यहाँ सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, प्लेट्स बना ली हैं इसमें, नीचे से इसे फोल्ड भी कर लिया है। और इसके बाद ये हमने बॉर्डर जो निकाला था वो इसमें अटैच करेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड्स में, ऊपर से नीचे तक कपड़े को फोल्ड करते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड करना है और इस पे प्रेस लगा लेना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसे इसमें अटैच करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह कोई लेस भी इसमें अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है दोनों साइड इसकी, और स्ट्रिप को मैंने इस तरह से प्रेस लगा के फोल्ड कर लिया है। यहाँ बिल्कुल किनारे से इसे रखते हुए इसमें अटैच करना है। यहाँ से इसे टर्न कर लेंगे इस तरह से, और ठीक इसी तरह से दूसरी साइड भी हम इसे अटैच करेंगे इस तरह से, बिल्कुल किनारे बराबर से मिला के रखते हुए यहाँ से टर्न कर लेंगे। और इसके बाद इसमें दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे, दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। और इसके बाद हम इसकी नेक तैयार करेंगे। तो नेक के लिए मैंने उसी शेप की स्ट्रिप कट कर ली है। स्ट्रिप को इसके ऊपर रखेंगे उल्टे साइड से और इसी शेप की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद स्ट्रिप को अंदर की साइड फोल्ड करना है, और ठीक इसी तरह से जो बैक का पार्ट है उसमें भी हम नेक में स्ट्रिप अटैच करेंगे। स्ट्रिप को इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने नेक इसकी तैयार कर ली है, स्ट्रिप को अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम इसकी कोटी इसमें अटैच करेंगे। तो पहले यहाँ शोल्डर से मिला के रखेंगे बिल्कुल बराबर से इस तरह से, दूसरी साइड को भी इसी तरह से बराबर से मिला के रखेंगे।
इस तरह से, और उसके बाद हम यहाँ से इसे सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे। दोनों साइड को इसी तरह से सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। तो पिन से अटैच करने के बाद इसमें हम सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद हम इसके आर्म होल में भी सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अभी हम इसके शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो सीधी साइड दोनों एक साथ रखते हुए यहाँ शोल्डर पे हम सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसकी शोल्डर मैंने अटैच कर ली है और ये मैंने स्लीव्स कट कर ली है। यहाँ सेंटर में छोटा सा कट बना लेंगे। फ्रंट साइड की स्लीव फ्रंट साइड में अटैच करनी है। इस तरह से मिला के रखेंगे सेंटर से और इसमें सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड की स्लीव को भी इसी तरह से अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने स्लीव्स अटैच कर ली है। अभी हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से पलट के उल्टे साइड से रख लेंगे और इसमें हम फिटिंग के निशान मार्क करेंगे। यहाँ पे चेस्ट का सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे। इस तरह से वेस्ट का भी सेंटर मार्क कर लेंगे और नीचे हिप तक हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। और सेंटर से एक साइड हमें चेस्ट का 1/4 मार्क करना है। दूसरी साइड भी चेस्ट का 1/4 मार्क करेंगे। वेस्ट का भी 1/4 मार्क करना है दोनों साइड्स में। और उसके बाद हिप लेंथ यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। 20.5 इंच पे मार्क किया है मैंने दोनों साइड्स में। और उसके बाद हिप का भी 1/4 मार्क कर लेना है। तरह से इन सभी पॉइंट्स को मिला के इस पे सिलाई लगानी है और स्लीव राउंड भी हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइड्स में स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे। और उसके बाद नीचे इसकी स्लिट बना लेंगे इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए। दोनों साइड में इसकी हम स्लिट बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और इसकी स्लिट भी बना ली है और ये कुर्ती बनके तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।